सबसे बात करेंगे, आज कैसा लग रहा है? ये तो हमारी आइडेंटिटी है ना कि हम इंडियंस हैं। साल हो गए हमें आजाद हुए और आज इंडिपेंडेंस डे। अंदर आता है कि हम लोग इस कंट्री के पार्ट हैं, बहुत प्राउड सिटीजन टाइप फील होता है। आज इस देश में महिलाएं इस जगह तक पहुंच पा रही हैं, वो पढ़ा पा रही हैं, वो जिस जगह पहुंचना चाहती हैं वो पहुंच पा रही हैं, तो यही हमारी आज़ादी। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे। पटना वुमेंस कॉलेज में हम मौजूद हैं और यहाँ का सेलिब्रेशन जो है वो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे, NCC कैडेट्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। आज देखिए, आज सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और सब लोग बहुत खुश लगते हैं। आज का सेलिब्रेशन कैसा है और कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा था आज का सेलिब्रेशन। हमारी प्रिंसिपल ने बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया। सारे स्टूडेंट्स हम लोग सुबह सुबह 6:30-7 बजे तक पहुंच चुके थे। 6:30? हाँ बिल्कुल। और टीचर्स जिन लोगों ने प्रिपरेशन में काफ़ी भूमिका निभाई थी, काफ़ी दिन से वो रिहर्सल्स में लगे हुए थे। परेड हुआ हमारा, तो इट वॉज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। हम बहुत अच्छा लगा आज का जो हमारा अमृत महोत्सव मनाया गया। हमारी प्रिंसिपल ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया हम लोगों को और बहुत ही आनंद आया। और हमारे कॉलेज में 15 डेज से जो अमृत महोत्सव तो लास्ट 1 ईयर से चल रहा है, तो उसका जो है वो कंक्लूडिंग सेरेमनी हम लोग 15 डेज से सेलिब्रेट कर रहे थे। तो 1st ऑफ अगस्त से हम लोगों का इसकी शुरुआत हुई और हर दिन हमारे यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रही और कॉम्पिटिशन्स हुए, डिफरेंट टाइप के स्पीच कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, लगातार हर वर्किंग डे। बताइए कितने दिन से रिहर्सल चल रहा था? हम लोग ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रिहर्सल कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हम लोग सब बीइंग एन NCC कैडेट, तो ये हम लोग के लिए और बहुत बड़ी प्राउड वाली फीलिंग, थोड़ा अलग फीलिंग होता होगा कि चलो फैक्ट इन यूनिफॉर्म, तो वो एक अलग फीलिंग होता है। जब आप ये खाकी पहन के रोड पे भी निकलते हो तो आपको जब लोग देखते हैं तो उसमें एक अलग एक्साइटमेंट और एक अलग जोश आ जाता है। आज के जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। आज ही बहुत ही एकदम अच्छा लगा, मतलब एकदम होता नहीं, जोश आ गया एकदम परफॉर्म करके। जैसा कि आज इंडिपेंडेंस डे है और इतने सारे लोग भी है और हम लोग इस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए कब से वेट करते हैं और इतने दिनों से हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, तो यही कहेंगे जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। पटना वुमेंस कॉलेज में आपको दिख रहे होगा कि तैयारी किस तरह से था और सब लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे सेलिब्रेट करने के लिए। इंडिपेंडेंस डे है आज, सारी टीचर्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे, सारे स्टूडेंट्स जो हैं NCC कैडेट्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए पटना वुमेंस कॉलेज का जो नज़ारा है अब वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक एक करके देखिए सेल्फी लिया जा रहा है। सबसे बात करेंगे आज कैसा लग रहा है, ये बताइए कैसा लग रहा है? आज के दिन आज़ादी का दिन है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन से आप ये रिहर्सल कर रहे हैं? हमारा 15 डेज से चल रहा है। 15 दिन से, तो आज फाइनली सब चीज़ खत्म, कैसा लगा? 1 से लेकर 15 तक हमारे कॉलेज में अमृत महोत्सव हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और बहुत अच्छा लगा। जी क्या कहेंगे इंडिपेंडेंस डे के दिन? बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और बहुत खुशी की बात है कि आज हम सारी चीज़ों से आज़ाद हुए, ब्रिटिशर्स को गुलामी से आज़ाद हुए, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ये इंडिपेंडेंस डे मनाकर। और कुछ क्या कहेंगे, आपको हम ऊपर भी ले जाते हैं और ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से देखिए सेलिब्रेशन जो है वो लगातार कैसा लगता है। आज जब इंडिपेंडेंस डे के दिन कॉलेज आते हैं, परफॉर्म होता है, बहुत चीज़ बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक ऐसा सेंस अंदर आता है कि हम लोग इस कंट्री के पार्ट हैं, बहुत प्राउड सिटीजन टाइप फील होता है। हाँ, तो मैं झंडा लेके घूमना पड़ता है। हाँ, तो लेना पड़ता है। ये तो हमारी आइडेंटिटी है ना कि हम इंडियंस हैं। तो आज मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। और स्कूल के बाद कॉलेज कोविड में था, सॉरी मतलब +2 कोविड में था, तो कॉलेज में आकर के और अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद ये सब मतलब माहौल फिर से देखने को मिल रहा है। चलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो सेल्फी किस तरह से ले रहे हैं, हाथों में नेशनल फ्लैग है, सब लोग तैयार होकर आते हैं आज के दिन, सब लोग कॉलेज पहुँचते हैं सुबह सुबह और किस तरह से फ़ोटो लिया जा रहा है वो आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ऊपर से भी हम नज़ारा दिखाएंगे कि जो पटना वुमेंस कॉलेज है वो किस तरह से जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। आज मैं बता दूं इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, ऊपर भी हम आपको लेके चलेंगे। देखिए सब लोग पहुंच रहे हैं, सब लोग पहुँचते हैं तो एक अलग तरीके का सेलिब्रेशन होता है। तो हम ऊपर भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल बना हुआ है और ऊपर टीचर्स दिख रहे होंगे आपको, सब लोग
इंडिपेंडेंस डे को लेके पहुँचे हुए कॉलेज में, और सब लोग देखिए सब लोग एक ड्रेस कोड पहने हुए हैं, कोई ऑरेंज पहना है, कोई वाइट पहना है, पूरी तरह से सब लोग पहुँचे हुए। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से नेशनल फ्लैग लेके लोग पहुँचे हुए हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, और सब आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। और मैम लोग भी आपको दिख रही होंगी कि किस तरह से नेशनल फ्लैग हाथ में ली हुई हैं, और सब लोग को एक अलग मज़ा आता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हुआ था वहाँ पे अभी आपको दिखेगा कि किस तरह से फ़ोटोज़ लिया जा रहा है, टीचर्स आपको दिख रहे होंगे, सब लोग सुबह पहुंच गए हैं पटना वुमेंस कॉलेज में, और टीचर्स फ़ोटो ले रहे हैं स्टूडेंट्स के। आपको ये दिखेगा कि टीचर्स जो हैं वो फ़ोटो ले रहे हैं स्टूडेंट्स का, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हम यहाँ से आपको नज़ारा दिखाएंगे कि यहाँ से पटना वुमेंस कॉलेज आपको दिखेगा कि किस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। विजुअल्स में आप देखिए कि किस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए मैम, आज कैसा लग रहा है इंडिपेंडेंस डे? 75 साल आज़ादी को हो गए और सेलिब्रेशन बहुत अच्छा है। हाँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स, आज हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग ये 70 इयर्स को चेरिश कर रहे हैं, जो हमारे 70 इयर्स का अचीवमेंट्स है, चाहे वो वुमेन के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, या देश में जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए हो। तो ये बहुत बहुत हमारे लिए एक अपने अचीवमेंट को चेरिश करने का दिन है। लड़कियाँ आज़ाद हैं या नहीं अब भी? बिल्कुल, आप हमें देखते हैं यहाँ पे पढ़ाते हुए, हमारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, आपको नहीं लगता कि आज इस देश में महिलाएं इस जगह तक पहुँच पा रही हैं, वो पढ़ा पा रही हैं, वो जिस जगह पहुँचना चाहती हैं वो पहुँच पा रही हैं, तो यही हमारी आज़ादी। एनसीसी कैडेट जो हैं वो 15-20 दिन से तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि एनसीसी का जो जो मोटो है कि वो जो लोगों के लिए करना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस उनके बीच, और उनकी हंसी और उनका कॉन्फिडेंस जो वो चलते हैं वो देख के बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप बताइए कैसा लग रहा है सेलिब्रेशन हुआ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, फिर सेलिब्रेशन बहुत अच्छा था, और मौसम भी आज बहुत अच्छा था, इसलिए हाँ फोटोज भी बहुत अच्छे आ गए। और आज के दिन क्या कहना चाहिए? कॉलेज में आज सेलिब्रेट हुआ इंडिपेंडेंस डे, बहुत अच्छा लगा। वी आर द पार्ट ऑफ द कॉलेज, सो वी हैव सेलिब्रेटेड विद कॉलेज, बहुत अच्छा लगा। 75 साल हो गए आज़ादी को, उस पर क्या बोलिए? 75 साल हो गए और बहुत इंडिया धीरे धीरे डेवलप भी बहुत किया है। मेन चीज़ क्या जरूरत है इंडिया को अभी भी डेवलप करने के लिए? नॉट येट डिसाइडेड, बट बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स प्राउड टू बी इंडियन, और हम लोग का 75th ऑफ इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा बात है। और एज अ इंडियन आई एम फीलिंग ऑल्सो वेरी प्राउड, दैट इज़ वाई मैं कॉलेज आज आई हूँ और इस डे को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए विजुअल्स में भी आपने देख लिया कि पटना वुमेंस कॉलेज का क्या नज़ारा है। आज इंडिपेंडेंस डे है, 75 साल हो गए आज़ादी को, मैम ने क्या कुछ कहा, लड़कियों ने क्या कुछ कहा, और माहौल जो है पटना वुमेंस कॉलेज का वो कैसा था वो आपने देख लिया। तो देखिए अभी भी आप देख सकते हैं कि जो एनसीसी कैडेट्स आपको दिख रहे होंगे, जो लड़कियाँ हैं जो आई हैं पटना वुमेंस कॉलेज में सुबह सुबह, वो आपको दिख रही होंगी। सारे लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सारे लोग आज बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, और आज इंडिपेंडेंस डे है, तो सब लोग सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं रेडी होके। और ये देखिए सब लोग पोज दे दे के फोटोज़ भी ले रहे हैं। तो देखिए लोग बहुत खुश हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि आज बहुत गर्व हो रहा है हमें इंडियन होने पे। और कैसा माहौल था पटना वुमेंस कॉलेज का वो आपने देख लिया, लोगों ने क्या कुछ बोला वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लाइक करें। धन्यवाद।